बता रहा हूँ। अम्मा रुक जाओ, कोई नहीं, कोई नहीं, हमारा कार्यकर्ता यहाँ सब भाजपा के लोग बैठे हैं, कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता कोई अभद्र भाषा में बात नहीं करेगा, कोई अनुशासन से बाहर नहीं जाएगा, करता ही नहीं कोई बात। और अगर ये प्रशासन, ये सब लोग देख रहे हैं, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम और सरकार की नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है, इन सब की बातें कल होंगी, क्योंकि ये रात का समय, इस बात का फायदा उठा रहे हैं। कल इसका लाभ मिलेगा, कल मिलेगा इसका लाभ। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर ये लाठी मारते तो लाठी खा लेना, खून निकल जाए, लेकिन यहाँ से बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो आराम से, शांति से थोड़ी रास्ता बंद करेंगे। नहीं, सरकार विकास की बात करती है और ये दीवारें चुनवाने में अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना रखा है कि प्रशासन दीवार बनाना चाहता है। भैया सारे अधिकारी पुलिस लेके बैठे हैं, बैठ जाओ भैया, पीछे भी बैठ जाओ। अच्छा, ये अच्छा, आप सरकार आप ही की है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार तो आप ही की है, डीएम साहब तानाशाही कर रहे हैं। सरकार की मंशा नहीं है कि लोग परेशान हो, सरकार लोग जो जो मजबूर लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके साथ है, उनके हित के लिए काम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में अफसर आपकी ही नहीं सुनते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुनेंगे भी, लेकिन अब रात में 12 बजे दीवार चिन रहे हैं, रात में कौन बात करेगा? हम कह रहे हैं हमें हमें 9 बजे तक का टाइम दे दो, हमें 10 बजे तक का तो टाइम दो, जब हम अपने नेताओं से बात करेंगे, प्रदेश स्तर के नेताओं से बात होंगी, तो कल अपने आप रुक जाएगा। जिस तरह से एफआईआर हुई है सांसद जी के खिलाफ, हमें एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं है, सांसद जी के खिलाफ अगर एफआईआर करी है तो गलत करा है, उनका कोई इस मामले में नहीं है, जनता का रास्ता है और जनता के लिए खुलना चाहिए। और सांसद जी और पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता के, जनता से चुनी गई, जनता के लिए और जनता के हित में जो काम अच्छा होगा उसे पार्टी करेगी, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होगा, पुलिस तो किसी के खिलाफ ही कर लेगा, सरकार जनता की सरकार खुलेगा तो जनता के लिए बोलेगा। क्यों रात में चिन्ह ट्रक क्यों लगाया, रात में चिन्हने का सुबह क्यों चिन्हते, इसको सुबह चिन्हना चाहिए ना। आपको खुद धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या मानते हैं ये धरना प्रदर्शन? अपनी बात अपनी बात रखने का धरना नहीं है, अधिकारियों के मनमानी जो रोकी जा रही है, हम लोग बैठे हैं शांति से, हम लोगों ने आके उन्हें बताया कि भाई साहब आप मान जाओ, ये काम सुबह कर लो, लेकिन नहीं मान रहे तो हम यहाँ बैठे हैं, ये दीवार चिन्हवाएंगे, हम रोकेंगे, ये हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम पे लट्ठे बजा के जेल भेजेंगे। देखो बैठो, बैठ जाओ भैया।